नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विनर्स एजुकेशन पॉइंट में। यहाँ पर मैं आपके लिए आज ये बहुत ही स्पेशल कंटेंट लेकर आई हूँ, जिसमें आपके लिए है कि आपको जो आपका प्रीलिम्स का जो पेपर है उसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे आप गलती कम से कम कर सकते हैं और अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो उसी के परस्पेक्टिव ये वीडियो लाया गया है। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो ही आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को आपको अपनाना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए एलिमिनेशन मेथड क्या होती है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है कि आप जैसे आपको किसी भी क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए गए हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए बिल्कुल लीस्ट जो ऑब्जेक्टिव है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो उसको अलग कर दीजिए। अब आपके पास बचते हैं तीन ऑब्जेक्टिव। अब आप तीन में से ये देखिए कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, फिर आपके पास दो ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। इट्स लाइक 50-50 इन KBC गेम। तो आपको एलिमिनेशन मेथड के तहत पहले दो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने, फिर उन दो में से एक आपको सही आंसर जो होगा उसको लगाना है। फिर है, जब भी आप पेपर दें तो आप हमेशा कूल और काम रहें। एकदम हड़बड़ी में कभी भी पेपर नहीं देना चाहिए, जल्दबाजी में पेपर नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 आवर्स रहते हैं पेपर देने के लिए, तो बहुत ही इनफ टाइम रहता है। तो इसलिए घबराना नहीं है, बिल्कुल कूल और शांत रहकर पेपर देना है। फिर है, डू नॉट अटेम्प्ट विद इन 3-4 मिनट। फिर है, सांस लें और छोड़ें। क्या करना है? सांस लें और छोड़ें। ये आपको तब करना है जब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो उसके पहले और पेपर शुरू होने से पहले आपको सांस लेनी है और छोड़नी है। इससे क्या होगा? इससे आपका माइंड रिलैक्स होगा, जो भी घबराहट है वो शांत होगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी आंसर की मिलती है OMR शीट मिलती है, तो आपको ये करना है कि आपको शुरुआत से उसी में नहीं भरना है आंसर्स। आपको पहले ये करना है, आपको पहले पेंसिल से अपने पेपर में आप लगा लीजिए टिक कि इसका आंसर ये हो सकता है, और उसके साथ साथ आपको रबर ज़रूर रखनी चाहिए, ताकि अगर आपने 1 से 2-3 या टिक लगा दिए तो आप उनमें से जो आपको करेक्ट लगता है उसको कर सकें। तो उसके बाद जब आपका करीब 40 मिनट में आपका पूरा पेपर सॉल्व हो सकता है, और उसके बाद आपको OMR भरना चालू करना है। फिर है, स्टार्टिंग के आधा घंटे सोचना है पहले, और क्वेश्चन पेपर में टिक करना है। स्टार्टिंग के आधा घंटे में आपको सही आंसर्स ढूंढने हैं, इसके बाद एलिमिनेशन मेथड अपनानी है, सांस लेना छोड़ना है, कूल रहना है, और इसके बाद आपको पेपर में टिक करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में से आंसर की में फिल करने से पहले क्वेश्चन पेपर चेक कर लें, कहीं एक ही क्वेश्चन में 2-4 टिक तो नहीं लगा लिए हैं। इसके बाद जो जो आंसर्स आ रहे हैं उनको पहले टिक कर लें। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर ना आ रहे हैं, तो इस स्थिति में घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा होता है कि आंसर्स नहीं आते हैं, तो पहले जो जो क्वेश्चंस हमें आते हैं हमें उनको अपनी OMR शीट में फिल कर लेना चाहिए। उसके बाद हम उन क्वेश्चंस पर आएंगे जिनके बारे में हमें एलिमिनेशन मेथड अपनानी है और हमें सोचना है। फिर एग्ज़ाम में किसी की भी आंसर बुकलेट देखने की कोशिश ना करें। ये अब आप लोग कहेंगे कि आप बहुत ही शरीफ सज्जन हैं, आप नहीं देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके आगे पीछे या आपके आजू बाजू में कोई भी परिचित व्यक्ति बैठा है तो उससे ना तो पूछने की कोशिश करें, ना ही उसकी आंसर्स देखने की कोशिश करें, क्योंकि पहली बात तो ये सेट के अकॉर्डिंग पेपर्स मिलते हैं, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम सेंटर में कोई आपको गलत बता दे और ये आपकी गलती बहुत बड़ी चूक साबित हो आपके लिए। और दूसरा, अगर किसी ने आपको ये करते हुए देख लिया तो आप एग्ज़ाम से रेस्टिगेट भी हो सकती हैं। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करनी है। फिर आपको पूरे पेपर में अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखना है। कॉन्फिडेंस इसलिए बनाए रखना है क्योंकि इस पेपर के हो जाने के बाद दूसरा पेपर भी है। तो अगर आपने पहले ही अपना मॉरल डाउन कर लिया, आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया, तो फिर आप दूसरा पेपर नहीं दे सकते हैं। और ख़ासकर जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उन लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उनके लिए सेकंड पेपर भी बहुत इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट एग्ज़ाम के लिए। फिर है, 2 दिन पहले से ब्लैक या ब्लू पेन रख लें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए रख लें क्योंकि एंड टाइम पे हो सकता है आपको पेन ना मिले, या हो सकता है आपके पास वह पेन ना हो जिनसे आप अपना लकी पेन मानते हैं। तो 2-3 दिन पहले से ही ब्लैक पेन रख लें।
ब्लैक पेन खरीद के रख लें, और एडमिट कार्ड की 3 कॉपी और फोटो और आधार कार्ड की कॉपी जरूर ध्यान से रख लें। ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो कोई बताता नहीं है और आप अक्सर एग्ज़ाम में कर देते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि जल्दबाजी में जो एडमिट कार्ड रहता है उसकी कॉपी नहीं मिलती है एंड टाइम पे, फिर हमें घबराहट होने लगती है। तो फोटो अपनी रखें और आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर अपने सेंटर में लेकर जाएं। इसके बाद लास्ट मिनट के लिए ना बैठें, और जहाँ भी आपका जो भी एग्ज़ाम सेंटर है उसमें आप जाने की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर लें। ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था इन द सेंस कि आपको किस व्हीकल से जाना है, कैसे जाना है, किसके साथ जाना है, तो इसकी प्लानिंग आप पहले से ही कर लें। जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाता है तभी से आप इसकी प्लानिंग कर लें। लास्ट मिनट के लिए कभी ना बैठें। जो अभ्यर्थी लास्ट मिनट के लिए बैठते हैं उसके साथ उनके साथ जरूर चूक होती है। इसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु यह है दोस्तों कि ये एग्ज़ाम नो डाउट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी बेहतर मेहनत कर भी रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको जो बेसिक चीज़ें हैं उनको नहीं भूलना है। जैसे कि आपको अपना पेशेंस बनाए रखना है, आपको खाना पीने पे ध्यान देना है, आपको अपनी नींद पे भी ध्यान देना है। आपने चूँकि साल भर मेहनत कर रखी होती है तो आपको इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना मॉरल बनाए रखें, खाने पीने पर ध्यान दें, अपने पेन अच्छे से तैयार कर लें अभी से, और अपनी अब तैयारी को ख़त्म करने की ओर अग्रसर रहे। अपनी अब तैयारी को बहुत ज़्यादा फैलाएं ना, बहुत ज़्यादा अगर आपके किसी भी टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो इसमें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट पेपर आप इसलिए देते हैं ताकि आपको अपनी मिस्टेक्स समझ में आए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।